आसान सवाल करो। कौन थे इलामा इकबाल, उन्होंने क्या किया था पाकिस्तान के? नेक इंसान थे, नेक इंसान थे मैं मानती हूँ, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया क्या था? पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। बहुत ज्यादा उन्होंने बहुत ऐसे काम किए अच्छे, अच्छे काम से तो कुछ नहीं सीखा। कंफ्यूजिंग वाली कोई और सवाल पूछने, बाकी प्रोग्राम बढ़ गया। एक दफा के देखने के 500 रुपए पड़ेगी। चपेरे वेरे नहीं मारती, वरना भी हर इंटरव्यू में चपेरे पड़े जो लोग बातें करके जाते। जिधर मौलवियों का जलवा उधर हलवा। इकबाल के तीन शाहीन मौजूद हैं जी, पहले बताइए कायदे आजम के शाहीन है या इकबाल के या घर वालों के? घर वालों के। घर वालों के क्यों? बस वैसे क्या लगता है इकबाल के शाहीन क्यों नहीं? इकबाल के नहीं है, बस घर वालों के ही हैं। इकबाल के शहीन नहीं बनना नहीं। चाहते क्यों? बस बस वो अच्छे नहीं थे। अच्छे थे तो फिर आप क्यों नहीं बनना चाहते? बस दिल नहीं है, दिल नहीं है, दिल नहीं है, है वो लेकिन ठीक है बस। कौन थे इलामा इकबाल? इलामा इकबाल शायर थे, शायर थे, बस शायर थे जी, शायर थे, अल्लाह के वली थे जी। और उन्होंने क्या किया था पाकिस्तान के? ये बताएंगे क्या किया था उन्होंने पाकिस्तान के? तहरीक, तहरीक की थी जी। कौन सी तहरीक की? शायरी की थी उसने, शायरी की थी और कुछ नहीं किया था? शायरी की थी, अल्लाह के वली थे, अच्छे नेक इंसान थे, नेक इंसान थे मैं मानती हूँ, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया क्या था? पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता क्या किया। आप बताएं क्या किया था उन्होंने? अल्लाह नेक काम किए थे अल्लाह के लिए, मतलब अल्लाह की जो चैरिटी वर्क किया होगा जी, मतलब बहुत। पाकिस्तान के लिए क्या किया था? बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ऐसे काम किए अच्छे के, जैसे अच्छे काम, जैसे कि मतलब हमें अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, अच्छे अच्छे। क्या सीखा आपने इलामा इकबाल से? यही मतलब अल्लाह की जो नए काम उसने, इलामा इकबाल से तो कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा। अल्लाह स्कूल से ही सीखा जो कुछ सीखा। कंफ्यूजिंग हो रही, कोई और सवाल पूछना? कंफ्यूजिंग हो रही है, कोई और सवाल कर जी। आसान से सवाल, आसान सवाल, मैं आसान ही कर रही हूँ। आपको यही नहीं पता पाकिस्तान बनने का ख्वाब किसने देखा था? कायदे आजम तो वाकई प्रोग्राम बढ़ गया। कायदे आजम ने देखा था, कायदे आजम ने देखा था, प्रोग्राम बढ़ नहीं गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया। अच्छा कायदे आजम ने फिर क्या किया था? उन्होंने तो हाप देखा था। हाँ जी, उन्होंने पाकिस्तान बनाया और क्या किया? पाकिस्तान बनाया, तो फिर हाप किसने देखा? इलामा इकबाल ने। शुक्र है आगे समझता था, सही हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान। रिजवान, और आपका नाम? मोहम्मद शान। मोहम्मद शान एंड मोहम्मद रिजवान, आपस में आप लोग दोस्त हैं, कजन? दोस्त हैं, दोस्त हैं। कितने टाइम से? बस अभी आज ही, आज ही बनी। ये मेरा दोस्त है, वो जो सामने खड़ा हुआ है। तो ये इसको तुमने क्या सोच के दोस्त बनाया? बस वैसे ही दोस्त बन गया। आते तुमने इसको क्या सोच के दोस्त बनाया? कुछ नहीं, मैंने तो वैसे ही सोचा, उसने पता नहीं क्या सोचा होगा। छोटा भाई समझ के दोस्त बनाया, हाइट से छोटा समझ के, हाइट से भी और एज से भी। कैमरा की तरफ देख, हाइट से भी और एज से भी। ठीक है, आपने जितनी देर इंटरव्यू देना आपने मेरी तरफ नहीं देखा। ठीक है, ओके। जब आपने देखा एक दफा के देखने के 500 रुपए पड़ेगी। चपेरे वेरे नहीं मारती, वरना भी हर इंटरव्यू में चपेरे पड़े जो लोग बातें करके जाते हैं। हाँ ऐसी बात है, सही बात है। अच्छा जी, मोहम्मद रिजवान क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? 9th में पढ़ रहा हूँ और तजवीद कोर्स कर रहा हूँ। कौन सा? तजवीद कोर्स बना। कौन सा कोर्स है? ये किरात करने वाला, कारी साहब बन रहा हूँ। कारी साहब बन रहे? कारी साहब बन के क्या करना है? क्या करना है? हलवा खाना है। हलवा जो हलवा हम खाते हैं ना, वो आप नहीं खा सकते। कैसे? कैसे? वो बहुत मज़े का होता है आपको तो वो। पता नहीं, फनी सा एक शेर याद आ रहा है, जिधर मौलवियों का जलवा उधर हलवा। नहीं क्या था वो? वो ऐसे ही था कोई, जिधर मौलवियों की खीर उधर पीड़, उधर पीड़ है, और वो हलवा जलवा वाला भी था। नहीं जिधर पता नहीं, ये मुझे नहीं पता ये, लेकिन हमारा हलवा बहुत मज़े का होता है। हलवे की बात हो रही है, मिट्टी डालो। मुझे ये बताएं कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, इसका मतलब क्या? वो फनी मेरी तरफ देखा, वो 500 रुपए हो गया, वो एक फनी डायलॉग बना हुआ, इसलिए वो हर कोई ऐसे पठान भी। क्या प्रोग्राम बढ़ गया का मतलब क्या? मतलब कोई ऐसी फनी चीज कोई करता है, फनी जैसे कोई वीडियो बनाता है तो ऐसे वो कह देते डायलॉग उन्होंने बनाया कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। भाई बढ़ गया प्रोग्राम तो बढ़ गया मतलब क्या? मतलब हमें भी नहीं पता। आपको आता क्या है? मुझे कुछ भी नहीं आता। कुछ नहीं आता, नकारे हैं आप, पाकिस्तान पे बोझ है। नहीं नहीं, बोझ नहीं है, लेकिन पे बोझ आप किसी भी नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने जिस पर जो भी इंसान बनाए तो वो ना कुछ सोच के बनाया है, ऐसे सोच के बनाया है वो किसी चीज़ में। ठीक हो गया, मुझे ये बताओ प्रोग्राम बढ़ गया का मतलब क्या? इसका मुझे भी नहीं पता। नहीं पता, मोए मोए का मतलब क्या? मोए मोए जो आपने लड़के से पूछा था, शेम शेम, वो पता नहीं। शेम शेम, मोए मोए का मतलब शेम शेम है, पता नहीं क्या है। भाई किधर से आए आप? मैं इधर लाहौर से। लाहौर से किस जगह से? मेन मार्केट गुलबर्ग से। गुलबर्ग से? लग नहीं रहा गुलबर्ग से आए हैं। लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा? ठीक हो गया। आप क्या करते हैं?
मैं सेलमैन कहता हूँ लेडीज कहाँ पे इधर ही मैं लेडीज गारमेंट बेचते हैं लेडीज काम में लेडीज काम माय मिस्टेक योर मिस्टेक मतलब बटन्स वगैरह लेस वगैरह लेसिस वगैरह ये सारी चीज़ें तो खूबसूरत लड़कियाँ आती होंगी बहुत सारी आती हैं तो फिर कैसे दिल को कंट्रोल करके आप खड़े होते हैं बस यही सोच के काम करना है काम करना है जी तो फिर नजरें इधर उधर नहीं जाती जाती हैं क्यों नहीं जाती नजरें अल्लाह पाने नहीं जाती है क्या करते हैं आप कुछ नहीं बस ये क्यों इतनी है पाकिस्तान में ठरकियात है कि नजरें इधर उधर टेढ़े मेढ़े होके जाती हैं बस जैसे वो आती है टेढ़ी मुड़ी होकर हमारे इधर भी जाती है टेढ़ी मुड़ी होकर इसीलिए फिर आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है आप भूल जाते हैं पाकिस्तान का हाफ किससे देखा है जी जी भूल जाता है ऐसे है ना इसीलिए आपको भूला जी जी बिल्कुल कभी कोई कोची लड़की आ जाए तब भी ऐसे ही होता है नहीं नहीं ऐसे नहीं तब ऐसे नहीं होता अच्छे वाली आती है ऐसे नहीं प्यारी लड़कियां तब कन्फ्यूजन होती है तब ऐसे होती है कन्फ्यूजन और में अच्छे वाली होती है सब ब्रांड होती है प्यारी होती है क्या बात है कैसे पता चलता है लड़की खूबसूरत है उसे देखकर ऐसे क्यों देख के बताया मैंने आप पूछ रही है सवाल आपने किया तो मैं बता रहा हूँ उसे देख हाँ उसे देखते हैं कैसी है फिर पता चल जाता कैसे पता चल जाता है आप देख के कैसे पता चलेगा पता चल जाता है अब जो जैसी होती है आपको कभी कोई लड़की मिली है बहुत तो फिर कोई है साथ या धोखा मिल चुका है कहाँ पे है पीछे मेरा शहर है उजरा शाह मुकीम उजरा शाह मुकीम शाह मुकीम उधर की है उधर की है तो कितने टाइम से साथ है एक है काफी साल से तो एक काफी देर से ही है जबरदस्त हो गया कोई शेरो शायरी आती है कुछ आता है नहीं कोई नहीं आपको आता है नहीं नहीं गाना आता है नहीं कुछ नहीं आता लड़के के बारे में सोचता है ए और बी के दरमियान क्या आता है ए और बी के दरमियान और फासला हां जी सही हो गया कौन सी ऐसी जगह जहां पे जाते 100 लोग हैं वापस 101 आते हैं सही है अच्छा लगा गपशप लगा के कुछ और कहने नहीं बस कुछ नहीं